तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आज सातवां दिन है युद्ध का। कई ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ये दावा किया था कि रूस तो यूक्रेन को महज कुछ दिनों में ध्वस्त कर देगा, लेकिन कुछ तो है हस्ती जिसकी वजह से यूक्रेन आज भी इस जंग में कम से कम एक मुकाबला रूस को दे रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस हर हथकंडा आजमा रहा है और यूक्रेन भी मैदाने जंग में उसका मुकाबला कर रहा है, लेकिन हर किसी के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है कि इस जंग का अंजाम क्या होने वाला है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि दोनों देशों के पास ताकत है कितनी, क्यों यूक्रेन को रूस के सामने बेबस बताया जा रहा है। रूस के पास एक्टिव सेना के जवानों की संख्या 8.5 लाख के करीब है, तो यूक्रेन के पास 2 लाख सेना के जवान एक्टिव हैं। रूस के पास 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि यूक्रेन के पास महज 50,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। रूस का डिफेंस बजट 11,52,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है, जबकि यूक्रेन का डिफेंस बजट महज 88.87 हजार करोड़ रुपए बताया जाता है। रूस के पास जंगी टैंकों की संख्या 12,420 बताई जाती है, जबकि यूक्रेन के पास 2,096 टैंक है। अब तक रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, टैंक इस्तेमाल किए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए हैं, और यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के कई टैंक और फाइटर प्लेन्स को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन रूस के पास यूक्रेन की तुलना में हथियारों का बड़ा जखीरा है। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें जिनकी जंग में बहुत जरूरत होती है, तो रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट है, जबकि यूक्रेन के पास महज 318। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो रूस के पास 772 फाइटर एयरक्राफ्ट, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 69 एयरक्राफ्ट। अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर रूस के पास 544 है, जबकि यूक्रेन के पास अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या सिर्फ 34 है। रूस के पास समंदर से वार करने वाली 605 सबमरीन है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 38 सबमरीन ही हैं। युद्धपोत की बात करें तो रूस के पास 11 युद्धपोत है, जबकि इसकी तुलना में यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही युद्धपोत है। अगर सामान्य हेलीकॉप्टरों की बात की जाए तो रूस के पास 1,543 सामान्य हेलीकॉप्टर हैं, जबकि यूक्रेन के पास 112 सामान्य हेलीकॉप्टर हैं। अब सवाल ये भी है कि इतने हथियार होने के बावजूद भी रूस अभी तक यूक्रेन पर कब्जा क्यों नहीं कर पाया? क्या पुतिन की युद्ध नीति में कोई कमी आ रही है, या फिर पुतिन ने यूक्रेन के लिए कुछ और ही प्लान तैयार कर रखा है? आज तक ब्यूरो।